अगर तुमने अपने बड़ी सास की बात नहीं मानी और पार्टी में गई तो आज के बाद इस घर में दोबारा वापस मत आना। देखती हूँ आज मुझे पार्टी में जाने से कौन रोक सकता है। केदार राय अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आर्या क्या क्या कर सकती है। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे आज पार्टी में जाने से रोक कर तो दिखाए। मैं रोज पार्टी करूंगी, रोज डिस्को जाऊंगी। मैं अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, इससे आपको क्या? आर्या, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो। तुम इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकती और ये इस घर के बड़े हैं, तुमसे बड़े हैं। तुम अपनी हद पार कर रही हो। जब से तुम इस घर में आई हो हर एक दिन किसी न किसी बात पर क्लेश करती हो। हर एक पल किसी न किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करती हो तुम। मैं ठीक ही करती हूँ। जो करती हूँ सही करती हूँ। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, समझ में आया? आर्या, आर्या कितनी बार कहा है कि तुम तमीज से बात किया करो। तुम बदतमीजी मत करो, ये मेरे चाचा जी हैं और वो दोनों मेरे माँ पापा, सो बिहेव योरसेल्फ। सो बेवकूफ बुड्ढे हैं ये। मैं सेलिब्रेट करूंगी, समझ गए आप लोग सब? मैं सेलिब्रेट करूंगी और आखिर क्यों ना करूं? जब गीत दिन रात डिस्को में जाती थी, ड्रिंक करती थी, तब तो उसे कोई कुछ नहीं कहता था। आर्या, जबान संभालो, जबान संभाल कर बात करो। इस वक्त यहाँ हमारे गेस्ट्स भी आए हैं, इसलिए जरा तमीज में रहो। तो क्या हो गया? इन्हें भी तो पता चले। कि इनके घर की बहू का असली रूप क्या है? अभी तो देवी का मुखट पहनकर घूमती है ये गीत। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में एक भी फालतू बात कही तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घर में खड़े होकर तुम गीत के बारे में ये फालतू बातें नहीं कर सकती। ध्यान रखना इस बात का, शी इज माय वाइफ। देन शी इज माय वाइफ। हम बाहर जाएंगे, देखता हूं कौन रोकता है। चलो आर्या। रुको, आर्या नहीं जाएगी। छोटे मालिक, बोलो। दरवाजा बंद कीजिए। दरवाजा मत बंद करना। दरवाजा बंद होगा, तुम नहीं जाओगी। दरवाजा बंद नहीं होगा जमुना, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी। अच्छा ये बात है, तुम जाओगी? जमुना ऐसे नहीं मानेगी। अब ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र।
अब जाओ, पार्टी करो, जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पर केक लगा दिया? मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? हाँ, तो अच्छा ही है ना, घर पर पार्टी हो रही है, यहीं रुक जाओ, यहीं पर गाना बजाना करो, मजे करो। इतना बाहर जाने का क्या शौक आ गया? तुम्हारे पैर आखिर घर में क्यों नहीं दिखते? घर पर ही रुको ना, सब मिलकर एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, तुम्हारी भाषा में पार्टी करते हैं। तो आओ ज्वाइन करो हमें भी। Yes, let's celebrate with play music. क्या आ रहा? वो कहते हैं ना, जितना बेकाबू घोड़ा उतना तगड़ा चाबुक। सुना है ना, जमुना भाभी ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया। म्यूजिक, चलो डांस करते हैं। अच्छा, मेरी वो कोकिला कहाँ है? हाँ हाँ, पिला देंगे, चिंता मत कीजिए। अरे नहीं चाचू, जरूरत नहीं है, जाने दीजिए ना। क्या क्या कह क्या रहे हैं आप? मैं शाकाहारी खाती हूँ, कोकिला शाकाहारी है ना? बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है? आपके लिए मैं अलग से ही खाना बना दूंगी। ये कोकिला वगैरह आपको पीने की जरूरत नहीं है, मैं शरबत बना देती हूँ आपके लिए। हाँ, लाती हूँ। माँ चलिए। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी रहोगी, और कोई रहे ना रहे, चाहे प्रेस के सामने हो या फिर रसोई में हो, हर जगह पर। हमेशा खुश रहो, अपनी खूबी अपने दम पर पूरा दिल लगाकर तुम खूब नाम कमाओ। बस बस बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे घर की बहू भी अगर ऐसी होती तो। चखाती हूँ मजा। आपको ऐसी बहू चाहिए ना? जरा घर तो चलिए आप, वहां जाके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ब्रह्मास्त्र, मैं दिखाती हूँ इनको। उस सास बहू और ननद ने मिलकर पूरे घर पर कब्जा जमा लिया है। तुम किसकी बात कर रही हो? और किसकी माँ? वो जमुना, गीत और अनुराधा राय की। पूरे शरीर में आग लग जाती है, जानती है? मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया, मुझे। मैं पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। उस जमुना की हिम्मत तो देखो माँ, उसने केक की क्रीम मेरे पूरे मुंह पर लगा दी। आपको विश्वास हो रहा है? मेरे ऊपर हुकुम चलाने लगी है ये। उस जमुना को लगता है कि वो हमेशा जीत जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भी टाइम आएगा। उस जमुना को जब तक मैं खून के आंसू ना रुला दूं ना, तब तक मुझे किसी भी चीज में चैन नहीं आएगा। अभी तक तो वो मेरा सच भी नहीं जानती, जिस दिन उसे मेरी असलियत पता चल जाएगी ना, उस दिन। सच? कौन सा सच आ रहा? किस सच की बात कर रही हो? क्या हुआ आर्या, तुम चुप क्यों हो? बताओ, तुम किस सच की बात कर रही थी? तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।
और हाँ, ये मेरा कमरा है। यहाँ आने से पहले तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए, नॉक करना चाहिए। इतने भी मैनर्स नहीं है तुम में क्या? हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन सच क्या है आर्या? कहा ना मैंने, तुम्हारे किसी भी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से अब तुम, जाओ। आर्या सुनो, सुनो, झगड़ा मत करो। हाँ माँ। अरे माँ, अब जानती नहीं इन छोटे लोगों को, दो पैसा देखा नहीं कि खुद को मालिक समझने लगते हैं। आर्या, तमीज से बात करो तुम। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो, तमीज से बात करो। क्या, मेरी हद? अभी तक तो तुमने मेरी हद देखी ही कहाँ है जमुना। कुछ नहीं देखा तुमने, अभी अभी तो मैं इस घर में आई हूँ, और जब तक उस अनुराधा राय से मैं इस पूरे घर की चाबियां ना छीन लूँ ना, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। आर्या, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त घर से निकाल सकती हूँ। तुम्हारे साथ रॉकी भैया को भी घर से निकाल सकती हूँ मैं, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी, वो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने हमेशा चाहा है कि सब मिलकर एक साथ रहें। मैं एक खुशहाल परिवार बनाना चाहती हूँ, और यही मेरी सास का भी सपना है, और वह सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ इसीलिए आज भी बड़ी बुआ इतनी गलतियां करने के बावजूद भी इसी घर में, और तुम भी इतना कुछ कहने के बाद, इतने पाप करने के बाद भी इस घर में हो आर्या। मेरी सास ने मुझे सिखाया है मिलजुल कर रहना, और इसलिए तुम हो यहाँ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ मैं, आगे से कभी इस तरह की बात की, ऐसा व्यवहार किया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पापा को बताने पर मजबूर हो जाऊंगी। जाओ जाओ, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। आर्या, बेवकूफी मत करो, बिल्कुल शांति से काम लो। कैसे शांति से काम लूँ बताइए माँ? हाँ, कैसे शांति से काम लूँ मैं? पता नहीं कहाँ से उठाकर लेकर आए इस जमुना ढोली को, सेलिब्रिटी। एक छोटा सा कंपटीशन जीतकर टीवी पर दो तीन इंटरव्यू क्या आ गए, तो इसको तो पर ही लग गए हैं। इसका तो मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि वो सोच भी नहीं सकती। इस घर पर वो खुद का राज समझकर बैठी है ना, इस घर की चाबियां तो मैं लेकर रहूंगी। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। अब देखती हूँ जमुना, क्या काम करती हो तुम। जमुना, जमुना कहाँ, यहाँ हो? क्या बात है? अरे जमुना, एक गुड न्यूज है। कैसी न्यूज? वो जो तुम्हें प्राइज मनी मिली थी ना, वो तुम्हारे अकाउंट में आ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी, जो चैंपियन बनेगा उसकी स्पेशल रिकॉर्डिंग करवाएंगे और फिर म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। गेस व्हाट, कॉल आया था। फेमस सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स की तुम हेल्प ले सकती हो, पर म्यूजिक तुम ही कंपोज करोगी। कंपोज मतलब? अरे कंपोज मतलब गाना बनाओगी, सुर दोगी, और उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, जैसे कि गिटार होगा, अब उसके बाद वहाँ पियानो होगा, तबला होगा, तुम जो जो चाहोगी, तुम्हें जो जो चाहिए होगा सब होगा। यमुना, तुम म्यूजिक डायरेक्टर की तरह पहली बार गाना बनाओगी, और एक बार अगर तुम्हारा कंपोज किया हुआ म्यूजिक पसंद आ गया ना, तो फिर मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में और कौन होगा बताओ। धत, मैं सुर तय करूंगी और उस पर सभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता मतलब,
तुमने स्टूडियो नहीं देखा जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है? हाँ हाँ, वो बड़ी बड़ी मशीन जहाँ होती है ना? अरे जमुना, वो जो बड़ी मशीन होती है उसे मिक्सर कहते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन रहता है और कान में हेडफोन लगाकर माइक्रोफोन के सामने खड़े होना, तुमने ये सब देखा तो है? हाँ, देखा तो है, पर मैं कैसे करूँगी वो सब? कैसे कर पाओगी मतलब? अरे तुम कर लोगी, वो लोग फोन करेंगे। मैंने कहा है कि तुम इस वक्त घर के कामों में व्यस्त हो, घर के सारे काम हो जाने के बाद दोपहर को तुम उन लोगों से बात करोगी। जमुना, तुम म्यूजिक कंपोज करोगी और तुम्हारा कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुनकर सब लोग फैन हो जाएंगे। जमुना ढोली ढोल बजाती है, तबला बजाती है, ढोलक बजाती है, नगाड़ा बजाती है, सब बजाती है, लेकिन वो कंपोज भी कर सकती है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। जमुना, तुम खुद को कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां जहां कोई तुम्हें छू भी ना सके सिर्फ मुझे छोड़कर, तब मैं गर्व से कहूंगा कि वो देखो मेरी पत्नी, माय लव इज देयर। मेरा प्यार आज कहां पहुंच गया है? ये सारी बातें तो मैं समझ गई, लेकिन छोटे मालिक, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? होगा, तुम्हें करना ही होगा। वो लोग तुम्हें फोन करेंगे, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देंगे, फिर तुम शुरू करोगी बोल लिखने। बोल लिखूंगी मैं? अरे नहीं नहीं, मैं ये कहानी वानी नहीं लिख सकती, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया लगता है। अरे दिमाग क्यों खराब होगा, बोल तो लिखने ही होंगे ना। मुझसे ये सब होगा? हाँ जमुना, होगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिन हो या रात हो, बारिश हो या तूफान हो, सुबह हो या शाम हो, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जमुना, एक एक करके मैं तुम्हें आइडियाज देता रहूंगा और तुम उसे अपने हिसाब से सजाकर लिख देना, दैट्स इट। और उसके बाद उसमें सुर बिठाने हैं और उसके बाद म्यूजिक देना तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। संगीत के सातों सुर तुम्हारे इशारे पर चलते हैं, हम हंसते रोते मुस्कुराते हैं संगीत के सात सुरों पर। आई लव यू जमुना। खुद की बहू है इसलिए नहीं, पर सच में गर्व होता है उस पर। सच में इतनी अच्छी है ना ये लड़की। हाँ, झगड़ा? धत, हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता, वो मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। कभी नहीं, काम काज में, पूजा प्रार्थना में कोई बराबरी ही नहीं है उसकी। और उसका म्यूजिक तो जानती हैं, आपने पेपर में तो देखा ही होगा, हर तारीफ कम है, उसके लिए फोटोज भी छपी हैं। हाँ देखा ही होगा आपने। बहुत अच्छी लड़की है, क्या कहूँ, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। आप तो सब जानती ही हैं, मैं कितना अच्छा डांस करती थी, फिर शादी के बाद सब कुछ छूट गया, मेरे जो शौक अधूरे रह गए थे वो सारे मैं अपनी बहू के जरिए पूरे कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहू को बहुत सपोर्ट करते हैं, यही मेरी धरोहर है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। पता है यहाँ क्या हुआ है, रॉकी शादी करके घर आ गया, और क्या ही कहूँ। नहीं नहीं नहीं, पार्टी दूंगी, जरूर दूंगी। अरे लव मैरिज की है, कुछ बताया ही नहीं, क्या करते बताइए। माँ, माँ राशन की लिस्ट बना दीजिए। तुम ही बना लो राशन की लिस्ट। वही जमुना और कौन, जितना अच्छा म्यूजिक बजाती है उतने ही अच्छे बाकी काम भी कर लेती है। मेरी बहू को ईश्वर ने 10 हाथ दिए हैं। हाँ अच्छा, रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ फोन करती हूँ। इतनी देर आप किससे बात कर रही थी माँ? तुम्हारी बुराई कर रही थी, तुम्हारी छोटी मौसी से। ये अच्छा किया, बुराई की ना, अच्छा किया। अब लिस्ट बना दीजिए माँ, वो राशन की लिस्ट। मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम लिस्ट बना लो। क्यों? जमुना, मैंने जिम्मेदारी दी है ना तुम्हें। माँ, आपको ना इतनी जल्दी मैं रिटायर नहीं होने दूंगी। क्यों भला? आपकी उम्र ही क्या है अभी? हाँ अभी भी अगर आपको मोहल्ले के लड़के देख लेना तो लट्टू हो जाएंगे आप पर। बहुत बदमाश हो गई हो,
बदमाशी क्या है इसमें? मैंने तो वही कहा है जो सच है। अब आप बूढ़ों की तरह बात मत कीजिए माँ, आपकी उम्र ही क्या है। और मेरे ससुर जी एक नाबालिग लड़की से शादी करके घर लाए थे, और अब वो लड़की इस तरह रहती है जैसे वो शायद 80 साल की बूढ़ी हो गई हो। अब ये सब बंद कीजिए और लिस्ट बनाइए। मैं कह देती हूँ मैं नहीं बनाने वाली। अब तुम मुझसे मार खाओगी बता रही हूँ, जाओ। मारिए ना, आपकी मार भी तो मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा माँ। अब ये सब बातें छोड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए, लिस्ट बना दीजिए, देर हो रही है माँ। ओहो, ये नाटक देखकर तो अच्छा खासा आदमी रो पड़े। सुबह से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ मैं। कल फ्रिज से जरा सी दही क्या ले ली तो पूरा घर सर पर चढ़ा दिया तुमने। इसीलिए आज मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे नाश्ता नसीब होगा। लेकिन यहाँ तो देख रही हूँ कि सास और बहू दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगी पड़ी है। ठीक से बात करो आर्या। सुना था खूब पढ़े लिखे परिवार की लड़की हो, कैसे बात कर रही हो? ओके, आई एम सॉरी, पर भूख लगी है और मेरा पति तो लगता है कि इस घर का नौकर है, वरना एक कॉफी तो मिल ही सकती है ना उसे। हाँ मिलनी चाहिए, तो तुम खुद अपने पति के लिए कॉफी बना कर ले जाओ ना। अरे रे, सबके लिए कॉफी तुम बनाओगी जमुना, और मेरे पति के लिए मैं बनाऊँ, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम इस घर की बहू हो जमुना। अगर सारे दिन घर का सारा काम कर सकती है तो तुम भी उसकी मदद करो और कॉफी बना लो। जाओ अपने पति के लिए कॉफी बना कर दे आओ। काम? मैं तो यहाँ कुछ छू भी नहीं सकती हूँ। अगर गलती से भी कोई चीज यहाँ वहाँ हो गई तो आप खुद ही कहेंगी, आर्या ये क्या कर रही हो, आर्या वो क्या कर रही हो। ये तुम्हारे बड़े ससुर के लिए था, ये तुम्हारे जेठ जी के लिए था, वो तुम्हारे चाचा जी के लिए था। आर्या तमीज से बात करो माँ से, क्या कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ सुबह सुबह उठकर झगड़ा शुरू कर दिया। क्या मैंने झगड़ा शुरू किया? मैंने तो बस एक कप कॉफी मांगी थी और क्या किया। हाँ वही तो माँ ने कहा, माँ ने यही कहा ना कि तुम बना लो अपने पति के लिए, क्या परेशानी है। मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इस घर में मजदूरी करने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं इस घर की नौकरानी भी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह, समझ गई तुम? ये भी घर की नौकरानी नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो घर का काम काज करती है, घर की बहुएं, घर की नौकरानी नहीं होती, घर को अपना समझ कर ही सब कुछ करती है। उम्मीद करती हूँ इतनी समझ तो है तुम में। नहीं नहीं है समझ मुझ में। प्लीज अब कॉफी मिलेगी मुझे तो बना लो तुम। देखिए अब आप बेकार में बहस करके मेरे साथ झगड़ा बढ़ा रही हैं। माँ छोड़िए, ठीक है मैं कॉफी बना देती हूँ। मुझे जितना समझना था मैंने इसे समझ लिया है। दरअसल मैं इस लड़की को ना कोई काम नहीं आता, इसकी भाषा में यूजलेस है। जमुना, आर्या आवाज नीचे करके बात करो, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। कॉफी बना कर देती हूँ, नाश्ता भी बना दूंगी, चुपचाप खा लेना, एक और शब्द नहीं बोलोगी। सुनो। जी माँ। तुम रॉकी और आर्या के लिए खाना मत बनाना। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को पग फेरे के लिए जाना है। उससे क्या मतलब है आपका? तुम्हारी शादी हुई है, भूल गई क्या? शादी के बाद पग फेरे की एक रस्म होती है, तुम्हें और रॉकी को तुम्हारे मायके जाना होगा, जाकर रस्म करनी होगी। ओ, दरअसल शादी तो रीति रिवाज से हुई नहीं है, इसीलिए ये सब। तो शादी कैसे हुई थी मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें पग फेरे के लिए जाना होगा और ये फाइनल है, जाओ तैयारी कर लो। ठीक है माँ, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ। ड्राइवर को कहने की क्या जरूरत है, संगीत है ना हम दोनों को छोड़ने के लिए। मतलब संगीत छोड़ाएगा मतलब? क्योंकि मेरा मन है इसीलिए। नहीं, संगीत तुम लोगों को नहीं पहुंचाएगा, संगीत क्यों जाएगा? वही तो, मेरे पति क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरा मन है इसीलिए। घर की नई बहू की इतनी इच्छा पूरी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी मेरे कमरे में सुहागरात मनाने की, और ये भी तुम्हारी इच्छा थी कि उसी कमरे में छोटे मालिक के साथ। क्या हुआ था संगीत के साथ, क्या किया इसने? कुछ नहीं माँ, मैं चलती हूँ। ठहरो जमुना, क्या कहने जा रही थी वो कहो।
क्या किया था इसे संगीत के साथ? माँ, वो बात सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या था, बोलो। माँ, आप सभी के मना करने के बावजूद इसके इच्छा अनुसार इसका मन था, इसलिए मेरे कमरे में मैंने सुहागरात मनाने की अनुमति दी थी, और उसके बाद इसने मेरे पति के साथ बदतमीजी की। और मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ की थी, तुमने बदतमीजी की थी, और तुमने जानबूझकर मेरे पति के साथ। बताओ तो क्या हुआ था? ठीक है माँ, अब आप सुनिए। आर्या, क्या हुआ तुम्हें? आर्या, आर यू ओके? आर्या, 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 तुम, आर्या, ये तुम क्या कर रही हो? आर्या, आर्या, क्या, छोड़ो मुझे, आर्या छोड़ो, आर्या छोड़ो मुछे, आर्या छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ संगीत, नहीं आई हूँ मैं। ये वही सुहागरात की सेज है, ये वही कमरा है जहाँ तुमने मेरे साथ बेइज्जती करके मुझे यहाँ से निकाल दिया था। संगीत, याद है तुम्हें? आर्या, याद आया तुम्हें? आर्या छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। आर्या छोड़ो मुझे, आर्या जिद मत करो, छोड़ो मुझे। आज फिर से वही सुहागरात की सेज है, वही तुम, सिर्फ दुल्हन बदल गई है। संगीत, आज तुम्हारे सामने मैं हूँ, मैं। छोटे मालिक, आप आर्या की सुहागरात की स्टेज पर क्या कर रहे हैं? जमुना, जमुना दरअसल ये बीमार हो गई थी तो मैं। हाँ जमुना, असल में मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया था, इसीलिए संगीत मुझे मुंह से ऑक्सीजन दे रहा था, है ना संगीत? अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रहे थे? हाँ, थैंक यू जेठ जी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो मर ही जाती सच में। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। क्या हुआ था? एक्चुअली जमुना, मेरे गले में पता नहीं अचानक कुछ अटक गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, फिर रॉकी तो घबरा गया और नर्वस हो गया और डॉक्टर को बुलाने चला गया, तब तक यहाँ संगीत आ गया और उसने अपने मुंह से मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया। नहीं नहीं जमुना, 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 मेरी बात तो सुनो जमुना। तो मतलब गीत सच ही कह रही थी? ये किसी मकसद से ही इस घर में आई है। तुम इस घर में क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? इस घर में बहू का हक चाहती हूँ मैं, और क्या चाहूंगी मैं? हाँ, बस एक रिक्वेस्ट की आपसे मैंने, कि अगर आपका बेटा मुझे और रॉकी को छोड़ दे, अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। संगीत मेरे साथ अकेला थोड़ी जा रहा है, रॉकी भी तो है ना साथ में, मेरी इतनी छोटी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। नहीं, वो तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों करेगा? क्यों करेगा तुम्हारी इच्छा पूरी? सिर्फ मेरे परिवार को ये दिखाने के लिए कि संगीत के साथ मेरे संबंध अब ठीक है, संगीत के साथ बाकी सभी के साथ भी मेरा रिश्ता ठीक है, माँ पापा को अच्छा लगेगा, बस इसीलिए। संगीत के साथ तो पहले मेरी ही शादी होने वाली थी ना, अगर ये जमुना नहीं होती तो संगीत आज मेरा पति होता, आज मैं इस घर की बहू होती और जमुना की जगह मैं होती, और जमुना की शादी इस घर में किसी नौकर के साथ हो जाती। आर्या, तमीज से बात करो। पर मैंने बदतमीजी की ही कब?
मैं तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर संगीत मुझे और रॉकी को बस वहाँ पर छोड़ दे तो मैं अपने परिवार वालों को समझा पाऊंगी कि संगीत के साथ मेरे संबंध अब ठीक हो गए हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के साथ मेरे संबंध अच्छे हो गए हैं। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ और एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही हूँ। इतना ही बस, बाकी तो जो आप ठीक समझे। मैं इस लड़की को समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये करना क्या चाहती है? ठीक है माँ, छोड़िए। जब ये बार बार कह रही है तो मैं छोटे मालिक से कह देती हूँ कि वो ये दोनों को छोड़ आए। ये क्या कह रही हो तुम? संगीत इन्हें पहुँचाने जाएगा? हाँ माँ, रॉकी भैया भी तो साथ में होंगे, चिंता की बात नहीं है, जाने दीजिए। जो भी हो, पर इस लड़की का कोई मकसद जरूर है। सही कहा आपने, मकसद तो है। संगीत को सुहागरात की सेज तक ले जाने की इच्छा, वो तो पूरी हुई मेरी। अब पगफेरे भी संगीत के साथ ही करूंगी मैं। आपको आइडिया भी नहीं है कि वहां संगीत के लिए क्या इंतजाम कर रखा है मैंने। माँ, माँ, ओ माँ। क्या हुआ? माँ, आपको खबर मिली कि नहीं? क्या जमुना, तुमने माँ को बताया नहीं? अब ये देखो, बताओगे भी? माँ, जमुना म्यूजिक कंपोज करेगी और वो रिकॉर्ड भी होगा, एंड गेस व्हाट, वो रिलीज भी होगा। व्हाट? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे प्राइज मनी भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जमुना का कंपोज किया हुआ म्यूजिक रिलीज होगा। सच में? जमुना, तुमने ढोल से शुरुआत की थी, आज स्टूडियो तक पहुंच गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व हो रहा है। मैं खुद के लिए जो नहीं कर पाई, आज तुम्हारे जरिए मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मैं आज बहुत खुश हूँ, दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जो भी कंपोज करोगी वो लोगों की जुबान पर छा जाए, तुम्हारी ही गूंज हो। मैं ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती। मैं भी म्यूजिक कंपोज करना चाहती हूँ, मैं खुद म्यूजिक कंपोज करना चाहती हूँ, खुद रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे साबित करना होगा। और वो जमुना अकेले क्यों करेगी भला? क्यों करेगी वो कंपोज? और हाँ, वो प्राइज मनी वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई प्राइज मनी नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट रनर अप का प्राइज मनी नहीं चाहिए। एट एनी कॉस्ट मुझे स्टूडियो तक पहुंचा दीजिए। मुझे खुद को साबित करना ही होगा। मुझे चाहे जैसे भी हो स्टूडियो तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। मुझे साबित करना है, मुझे साबित करना ही होगा। उस राय परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद करना है, उस परिवार में नफरत की आग लगानी है। मुझे बर्बाद करना है। वो लड़की जमुना, मुझे उससे हर एक कदम पर आगे ही रहना है, हमेशा, हर वक्त। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे एक मौका चाहिए ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारे बीच की लड़ाई है। मुझे जैसे भी हो स्टूडियो तक पहुंचा दीजिए, जैसे भी हो, आपको जो करना है कीजिए, आई डोंट केयर। बस पहुंचाना होगा, सुना ना आपने, पहुंचाना होगा। क्या कह रही हो अनुराधा? आर्या पगफेरे के लिए जाएगी तो संगीत वहां क्यों जाएगा? नहीं नहीं,
देखो अनुराधा, इस बात के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी कोई परमिशन नहीं दी, बल्कि मैंने भी आपत्ति जताई थी। जमुना ने ही फट से कह दिया कि हाँ संगीत जाएगा उन्हें पहुँचाने। मुझे समझ में नहीं आता कि जब जमुना आर्या को जानती है तो जरूरत क्या थी हाँ कहने की। मैं अब क्या करूँ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लड़की मतलब आर्या इस राय परिवार को नुकसान पहुंचाती आ रही है, आज भी पहुंचाना चाहती है, उसके लिए जमुना। नहीं नहीं, मैं उससे दोबारा बात करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं बात करूंगी जमुना भाभी से। गीत, आर्या को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। घर में सांप को पालना खतरनाक नहीं है, बल्कि आर्या को घर में रखना खतरनाक है। मैं एक बात कहना चाहूंगी पापा, आपने और माँ ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस घर में रहने की परमिशन देकर। बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दी है गीत। मैंने उसका इस घर में स्वागत तक नहीं किया। उसका स्वागत करके जमुना उसे इस घर में लाई है। ये जमुना की ही गलती है। जमुना ही उस मुसीबत को लेकर आई है। अपने पांव पर वो खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अगर जमुना भाभी खुद कुल्हाड़ी मारना चाहे भी तो मैं नहीं होने दूंगी। मैंने कहा ना, मैं जमुना भाभी से खुद बात करूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं जमुना भाभी को समझाऊंगी, ठीक है? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है गीत। आर्या रेडी हो रही है और देखना अभी ही आकर कहेगी कि आपका बेटा कहाँ है। मैं तो रेडी हो गई हूँ। और हाँ, घर से फोन आया था कि अपने बेटे से कहिए कि वो मुझे छोड़ने के लिए आए। सिर्फ ड्रॉप ही करने जाएंगे ना, या फिर तुम्हारा और भी कोई मकसद है? अब भला इसमें कौन सा मकसद होगा गीत, साथ में मेरे पति भी तो होंगे ही ना। पति? आर्या, रॉकी भैया तुम्हारे पति हैं या मोहरा, ये तो भगवान ही जाने। सच तो ये है कि रॉकी भैया तुम्हारे हाथों की कठपुतली है। तुम जैसे नचा रही हो वैसे वो नाच रहे हैं, तुम्हारे कहने पर उठते हैं, तुम्हारे कहने पर बैठते हैं। इनफैक्ट सुहागरात वाली रात जो कुछ हुआ था। अच्छा अच्छा, ये सब बातें अब रहने दो ना। क्यों ना तुम? क्यों क्यों रहने दो? क्या हुआ था, क्या हुआ था सुहागरात की रात, बताओ मुझे। अच्छा अच्छा, चुप रहो चुप रहो, अब बस भी करो गीत। उस बात को छेड़ने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है माँ, बातों को सामने लाने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंशंस पता चलेंगी। ये क्या चाहती है ये पता चलेगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता। ये यहाँ घर बसाने नहीं आई है, बल्कि ये यहाँ घर तोड़ने आई है। मैं क्या यहाँ चुपचाप खड़ी रहकर अपनी बेइज्जती सहती रहूं? आपकी कड़वी बातें सुनूं? यही सब सुनने के लिए यहाँ खड़ी हूँ मैं? घर की बहू पगफेरे के लिए जा रही है, पर ये नहीं कि उसे अच्छे से भेजे हम। इसमें भी झगड़ना है। न जाने कैसा ससुराल मिला है, जैसे मेरे बड़े ससुर जी वैसी ही ननद और वैसी ही मेरी बड़ी सासू माँ। मुझे तो ऐसे ससुर जी मिले हैं जो यहाँ पर बैठे बैठे मेरी बुराइयाँ सुनते मजे कर रहे हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इसके बाद अगर घर की बहू कुछ करेगी तो कहेंगे कि बहू ही बुरी है। नहीं, मेरे घर की बहू में बुराई नहीं है। मेरी बहू ऐसी हो ही नहीं सकती। जमुना मेरे घर की बहू है और वो बुरी नहीं है। बुराई तो तुम में है। अंकल,